वो आप कर सकते हो, पर ये एक पॉइंट से आप पूरी कुंडली को जज मत कीजिए। अब देखिए, अगर आपका जो नवमशा लगना लॉर्ड है वो अगर आपके फिफ्थ हाउस में चला गया, तो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपने इंटेलिजेंस को मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इंटेलिजेंस के द्वारा कैसे मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है वो कोई आपसे सीख सकता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिकोण में गया है, जैसे कि नवमशा का जो ट्राइन हाउसेस रहता है फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, इससे हम आपके नेचुरल एबिलिटीज़ को देख सकते हैं, मतलब जो आपके अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे नवमशा लगना लॉर्ड अगर फिफ्थ में गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ये वो हैप्पीनेस वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। चाइल्ड बर्थ के लिए भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं ये, और कहीं ना कहीं आपके ये मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रोमांस वाला फैक्टर है वो भी अच्छा देखा जाएगा। यहाँ से आपके मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा रहेगा, आपके स्पिरिचुअल जो भी जर्नी है उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर ये नाइन्थ में चला गया है तो देखिए, अगर साइन वाइज अच्छे कंडीशन में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे मैरिज के बाद ट्रेवल्स वगैरह कर सकते हो, जर्नीज कर सकते हो। यहाँ पे आपके भाग्य कहीं ना कहीं मैरिज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आपकी हायर स्टडीज़ भी आप कंप्लीट कर सकते हो शादी के बाद, ये भी शो करता है। तो नाइन्थ में जाना कहीं ना कहीं नवमशा लगना लॉर्ड अगर नाइन्थ में है और अगर शुभ पोजीशन में प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पे केंद्र में गया है, फोर्थ हाउस में अगर गया है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि शादी के बाद कम्फर्ट्स लग्जरी वगैरह आपको ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे बेसिकली आपके हैप्पीनेस के लिए, जैसे कि नवमशा का जो फोर्थ हाउस होता है वो हम देखते हैं कि मैरिज से आपका जो सुख है, मेंटल पीस है, वो कितना आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में गया है, मतलब सपोज यहाँ पे आपका वेनस गया है फोर्थ हाउस में लगन लॉर्ड होके और अच्छे साइन में गया है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको मैरिज के बाद व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा मिल सकता है, घर अच्छा मिल सकता है, तो ओवरऑल आपके फैमिली के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए अच्छा मानेंगे। और यहाँ पे अगर आपके टेंथ हाउस में गया है तो आपके करियर के लिए हम इसको अच्छा मान सकते हैं, या फिर आपका जो फोकस रहेगा, मतलब वो ऐसा रहेगा अपने स्टेटस के ऊपर ज़्यादा रह सकता है। और यहाँ पे टेंथ हाउस ये भी दिखाता है कि लोग आपके जोड़ी को कैसे देख सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो सोशल इमेज है वो अच्छी तरीके से बना के चलने की कोशिश करोगे। अगर इलेवेंथ हाउस में गया है तो यहाँ पे मैरिज से आपको कुछ गेन वगैरह भी अगर गया है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि शादी के बाद कम्फर्ट्स लग्जरी वगैरह आपको ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे बेसिकली आपके हैप्पीनेस के लिए, जैसे कि नवमशा का जो फोर्थ हाउस होता है वो हम देखते हैं कि मैरिज से आपका जो सुख है, मेंटल पीस है, वो कितना आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में गया है, मतलब सपोज यहाँ पे आपका वेनस गया है फोर्थ हाउस में लगन लॉर्ड होके और अच्छे साइन में गया है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको मैरिज के बाद व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा मिल सकता है, घर अच्छा मिल सकता है, तो ओवरऑल आपके फैमिली के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए अच्छा मानेंगे। और यहाँ पे अगर आपके टेंथ हाउस में गया है तो आपके करियर के लिए हम इसको अच्छा मान सकते हैं, या फिर आपका जो फोकस रहेगा, मतलब वो ऐसा रहेगा अपने स्टेटस के ऊपर ज़्यादा रह सकता है। और यहाँ पे टेंथ हाउस ये भी दिखाता है कि लोग आपके जोड़ी को कैसे देख सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो सोशल इमेज है वो अच्छी तरीके से बना के चलने की कोशिश करोगे। अगर इलेवेंथ हाउस में गया है तो यहाँ पे मैरिज से आपको कुछ गेन वगैरह भी मिल सकता है, पर नेटवर्क जो सर्कल है वो यहाँ पे मैरिज के बाद इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे आपके विश जो भी थे वो मैरिज के बाद आपके फुलफिलमेंट की तरफ जा सकता है, ये शो करता है। तो यहाँ पे अगर थर्ड हाउस में गया है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके थर्ड हाउस में, देखिए थर्ड हाउस कहीं ना कहीं करेज का हाउस है, कम्युनिकेशन स्किल का हाउस है, तो ऐसा हो सकता है अगर आपको मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो, ये शो करता है। या फिर आप करेजियसली मैरिड लाइफ में डटे रहोगे, मतलब कुछ भी चीज़ को ऐसे छोड़ के चले आना ये आप नहीं करोगे, ये दिखाता है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज भी दिखाता है मैरिज के बाद आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके अगर कुछ भी राइटिंग से रिलेटेड स्किल्स है या फिर कोई भी नया स्किल आप डेवलप कर सकते हो मैरिज के बाद, ये शो करता है। यहाँ पे अगर सेकंड हाउस में गया है तो आपके ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए, आपके ओवरऑल फैमिली के लिए, वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आपका जो यहाँ पे मेन फोकस रहेगा वो अपने फैमिली के ऊपर रहेगा, अपने फाइनेंसेस, अपने सेविंग्स के ऊपर दिखाता है। यहाँ पे अगर नवमशा लग्ना लॉर्ड सपोज लग्ना में ही प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये माना जाएगा। तो
यहाँ पे ओवरऑल अगर शुभ प्लैनेट नवमशा लग्न लॉर्ड होके नवमशा लग्न में सपोज यहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड है तो देखिए ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगी। अगर नवमशा लग्न में जुपिटर यू नो अगर खुद के साइन में ही बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगी, तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ का यहाँ पे यू नो जो मैरिड लाइफ का थीम रहेगा उसमें हम बोल सकते हैं अगर जुपिटर है तो एक फिलोसॉफिकल व्यू रहेगा आपका, एक ऑप्टिमिज्म रहेगा वहाँ पे, एक रिलीजियस फैक्टर काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम उसको बोल सकते हैं, आप एक गाइड की तरह मेंटर की तरह अपने स्पाउस के लाइफ में यू नो अपना रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा मतलब नवमशा लगना जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड तो आज का जो एनिमीज भी थोड़ा तो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपने इंटेलिजेंस को मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इंटेलिजेंस के द्वारा कैसे मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है वो कोई आपसे सीख सकता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। त्रिकोण में गया है, जैसे कि नवमशा का जो ट्राइन हाउसेस रहता है 1st, 5th और 9th, इससे हम आपके नेचुरल एबिलिटीज़ को देख सकते हैं, मतलब जो आपके अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे नवमशा लग्न लॉर्ड अगर 5th में गए हैं तो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल ये यू नो वो हैप्पीनेस वगैरह के लिए अच्छा रहेगा, चाइल्ड बर्थ के लिए भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं ये, और कहीं ना कहीं आपके ये मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रोमांस वाला फैक्टर है वो भी अच्छा देखा जाएगा। यहाँ से आपके मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा रहेगा, आपके स्पिरिचुअल जो भी जर्नी है उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर ये 9th में चला गया है तो देखिए अगर साइन वाइज अच्छे कंडीशन में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ पे मैरिज के बाद यू नो ट्रेवल्स वगैरह कर सकते हो, जर्नीज कर सकते हो, यहाँ पर आपके भाग्य कहीं ना कहीं मैरिज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे आपकी हायर स्टडीज़ भी आप कंप्लीट कर सकते हो शादी के बाद, ये भी शो करता है। तो 9th में जाना कहीं ना कहीं नवमशा लग्न लॉर्ड अगर 9th में है और अगर शुभ पोजीशन में प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पे केंद्र में गया है 4th हाउस में जा अगर गया है तो यहाँ पे ऐसा दिखाता है कि शादी के बाद है ना कम्फर्ट्स लग्जरी वगैरह आपको ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे बेसिकली आपके हैप्पीनेस के लिए, जैसे कि नवमशा का जो 4th हाउस होता है वो हम देखते हैं कि मैरिज से आपका यू नो जो सुख है, मेंटल पीस है वो कितना आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट आपके 4th हाउस में गया है, मतलब सपोज़ यहाँ पे आपका वेनस गया है 4th हाउस में लगन लॉर्ड होके और अच्छे साइन में गया है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको मैरिज के बाद यू नो व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा मिल सकता है, घर अच्छा मिल सकता है, तो ओवरऑल आपके फैमिली के लिए आपके हैप्पीनेस के लिए अच्छा मानेंगे। और यहाँ पे अगर आपके 10th हाउस में गया है तो आपके करियर के लिए हम इसको अच्छा मान सकते हैं, या फिर आपका जो फोकस रहेगा मतलब वो ऐसा रहेगा अपने स्टेटस के ऊपर ज़्यादा रह सकता है। और यहाँ पे 10th हाउस ये भी दिखाता है कि लोग आपके जोड़ी को कैसे देख सकते हैं, तो आप यू नो कहीं ना कहीं अपना जो सोशल इमेज है वो अच्छी तरीके से बना के चलने की कोशिश करोगे। अगर 11th हाउस में गया है तो यहाँ पे मैरिज से आपको कुछ गेन वगैरह भी मिल सकता है, नेटवर्क जो सर्कल है वो यहाँ पे मैरिज के बाद इंक्रीज हो सकता है, यहाँ पे आपके विश जो भी थे वो मैरिज के बाद आपके फुलफिलमेंट की तरफ जा सकता है, ये शो करता है। तो यहाँ पे अगर 3rd हाउस में गया है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके यू नो वो 3rd हाउस में, देखिए 3rd हाउस कहीं ना कहीं करेज का हाउस है, कम्युनिकेशन स्किल का हाउस है, तो ऐसा हो सकता है अगर आपको मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसको कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो, ये शो करता है। या फिर आप करेजियसली मैरिड लाइफ में यू नो डटे रहोगे, मतलब कुछ भी चीज़ को ऐसे छोड़ के चले आना ये आप नहीं करोगे, ये दिखाता है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज भी दिखाता है मैरिज के बाद आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके यू नो अगर कुछ भी राइटिंग से रिलेटेड स्किल्स है या फिर कोई भी नया स्किल आप डेवलप कर सकते हो मैरिज के बाद, ये शो करता है। यहाँ पे अगर 2nd हाउस में गया है तो आपके ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए, आपके ओवरऑल फैमिली के लिए, वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आपका जो यहाँ पे मेन फोकस रहेगा वो अपने फैमिली के ऊपर रहेगा, अपने फाइनेंसेस, अपने सेविंग्स के ऊपर दिखाता है। यहाँ पे अगर नवमशा लग्न लॉर्ड सपोज लग्न में ही प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये माना जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पे ओवरऑल अगर शुभ प्लैनेट नवमशा लग्नल और ढोके नवमशा लग्नल में सपोज यहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड है तो देखिए ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगी। अगर नवमशा लग्न में जुपिटर यू नो अगर खुद के साइन में ही बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम करेगी, तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ओवरऑल मैरिड लाइफ का यहाँ पे यू नो जो मैरिड लाइफ का थीम रहेगा उसमें हम बोल सकते हैं अगर जुपिटर है तो एक फिलोसॉफिकल व्यू रहेगा आपका, एक ऑप्टिमिज्म रहेगा वहाँ पे, एक रिलीजियस फैक्टर काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम उसको बोल सकते हैं, आप एक गाइड की तरह मेंटर की तरह अपने स्पाउस के लाइफ में यू नो अपना रोल प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा मतलब नवमशा लगना जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।